मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के बाद एक और बीजेपी कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने यूपी के बाराबंकी सीट से उपेंद्र रावत को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया था, अब उपेंद्र रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पर उपेंद्र रावत का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। रावत इस समय बाराबंकी सीट से सांसद भी हैं। दो दिन पहले ही आई बीजेपी की पहली सूची में उपेंद्र रावत का भी नाम था। उपेंद्र रावत ने अपने एक्स हैंडल पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। रावत ने अपनी पोस्ट में लिखा, मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल हो रहा है जो डीप फेक AI तकनीक के जरिए बनाया गया है और मैंने इसकी FIR दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा, मैंने पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से भी निवेदन किया है कि इसकी जांच करवाई जाए। जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होता, सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। AI तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है। कभी किसी का पुराना वीडियो उस पर चेहरा मेरा लगाया गया है, ये AI तकनीक का कमाल है। इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। पवन को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत को दोबारा टिकट मिलने के 24 घंटे के अंदर ही कई आपत्तिजनक वीडियो तेजी से वायरल होने लगे थे। इसमें विदेशी महिलाओं के साथ दिखाई दे रहे व्यक्ति को उपेंद्र रावत बताया जा रहा है। हालांकि सांसद का कहना है कि ये डीप फेक वीडियो AI से बनाया गया है, उनकी छवि खराब करने के लिए इसे एडिट करके बनाया गया है। बीजेपी ने शनिवार को बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत को दोबारा चुनाव लड़ने पर मुहर लगाते हुए टिकट दिया था। अगले दिन रविवार की सुबह से सोशल मीडिया पर सांसद उपेंद्र रावत के 4 वीडियो वायरल किए गए। आपत्तिजनक वीडियो को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। इस बारे में सांसद ने कहा है कि ये तो सोचने की बात है कि जैसे ही मुझे लोकसभा का टिकट मिला उसके बाद कुछ वीडियो को वायरल कर दिया गया। प्रमुख राजनीतिक विरोधियों के द्वारा मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये वे लोग हैं जो राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, किनारे हो गए हैं। दोबारा मुझे टिकट मिलना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए ये जो है एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है और ये AI तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है। कभी किसी का पुराना वीडियो उस पर चेहरा मेरा लगाया गया है, ये AI तकनीक का कमाल है। मैंने इसके लिए FIR भी दर्ज करा दी है, जांच चल रही है। जिन लोगों ने ये घिनौना कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। मैंने ये पुलिस से भी पूछा है तो पता चला है कि विवेचना ठीक रास्ते पे चल रही है, जल्दी ही वो गिरफ्त में आएंगे।